ऐसे ही तमोगुणात्मक भगवान शिव से रजोगुणात्मक शिव रजोगुण जो हैं वो ब्रह्मा हुए, और उनसे सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, जो ब्रह्म दर्शन है माने श्री कृष्ण वे सत्वगुणात्मक हैं, नारायण सत्वगुणात्मक है, विष्णु, इन तीनों में ही ब्रह्म दर्शनम, इन तीनों के द्वारा ही ब्रह्म माने यज्ञ का विधान होगा, ब्रह्म दर्शन माने यज्ञ। तो यज्ञ में तीनों ही वस्तुएं प्रधान है, यज्ञ की राख भी प्रधान है, यज्ञ का धुआं भी प्रधान है, और यज्ञ का ज्वाला भी आदरणीय है। परंतु इसमें पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला जो दारू है वो प्रतीक हो गया, दोनों ही टीकाकार ने निरूपण किया, किसी ने अग्निस्थानी माने दारू स्थानी ईंधन स्थानी ब्रह्मा को माना, किसी ने शिव को माना, परंतु शिव को मानना ज्यादा सही है। शिव जो हैं वे अप्रकट अग्नि हैं, फिर जीव में भगवत्ता का आरोप हुआ, धुएं में भगवत्ता का आरोप हुआ, और अग्नि जो है वो साक्षात विष्णु है, प्रकट अग्नि है। तो शिव अप्रकट अग्नि हुए, धुआं आरोपित अग्नि हुआ, और विष्णु साक्षात अग्नि हुए। इनमें त्रयीमय है, त्रयी माने यज्ञ जो किया जाएगा वो जैसे ज्वाला में किया जाएगा, इसी प्रकार मुख्य रूप से भगवत भगवान वो श्री विष्णु ही हैं। सो तमसस्तु रज, तमोगुण से रजोगुण होता है और रजोगुण से सत्वगुण उत्पन्न होता है। तमसस्तु रज तस्मा सत्वम, उससे सत्वगुण प्रकट होता है यद ब्रह्म दर्शनम, और सत्वगुण ही के द्वारा ब्रह्म दर्शनम माने यज्ञ का विधान होगा। सत्वगुण साक्षात ब्रह्म का दर्शन कराने वाली है। योग्य विष्णु के अर्थ में अर्थ और अग्नि के अर्थ में हुआ कि अग्नि में ही साक्षात रूप से ब्रह्म माने वो जो यज्ञ है उस यज्ञ का दर्शन होगा। भेज रे मुनियोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमायो कल्पते येनु तामे हो। इसलिए मुनियों ने अग्रे माने पहले भगवंतम अधोक्षजम इंद्रियों से परे भगवान का ही ध्यान किया। अक्ष कहते हैं इंद्री, उनसे अध माने जिसने अक्ष अजय माने इंद्रियों के ज्ञान को अध माने नीचे कर दिया है, ऐसे मुनियों ने भगवान की ही माने श्री विष्णु की ही आराधना की, क्योंकि विष्णु सत्वम विशुद्धम विशुद्ध सत्व रूप हैं, क्षेमाय विश्व का कल्याण करने के लिए। कल्पन्ते येन ताने हो, वे ही मुख्य हैं और ये अनु ताने हो, जो उनके अनुगत होकर के विराजमान हैं वे ही क्षेमाय कल्पन्ते माने जो विष्णु की आराधना करते हैं उनको ही वास्तव में कल्याण की प्राप्ति होती है। तो दोबारा सुन लो, भेनरे मुथियो मुनियो थाग्रे, अग्रे माने पहले से ही मुनियों ने अधोक्ष जब माने इंद्रियातीत भगवान की ही आराधना की। भगवान विशुद्ध सत्वात्मक हैं और वे ही क्षेमाय कल्पते संपूर्ण कल्याण को प्रदान करते हैं। ये नो ताने हो, कौन को कल्याण देते हैं, जो विष्णु के अनुगत होकर के विराजमान है उनके ऊपर कल्याण करते हैं। मुमुक्ष वो घोर रूपान हित्वा भूतपति न था नारायण कला शांता भजंती हनसुएवा, जो मुमुक्षु गण हैं वे घोर रूपान भयंकर स्वरूप वाले भूतपति हित्वा, भूतपति उनका त्याग करके माने भूत प्रेत इनके जो प्रधान हैं
उनका भी त्याग करके भेज रहे मुनियों ठाकरे। मुनियों ने मुमुक्षो घोर रूपा, जो मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं उन्होंने घोर रूप वाले भूतपति माने प्रेतराज आदि का त्याग करके नारायण कला शांता, नारायण की शांत जो कला है माने अब नारायण के अवतारों का श्री मत्स्यगुण वरा इत्यादि जो नारायण के अवतार हैं उनको ही भजंती माने उनका भजन किया। अंसुयवह, बिना ईर्ष्या रखते हुए उनका भजन किया। भयंती अनसूयम, तो मुमुक्षुभो घोर रूपान, मुमुक्षुओं ने घोर रूप भूतपति इनका त्याग करके भयंकर रूप वाले भूतपतियों का त्याग करके नारायण की कला का ही शांत भजन किया। अनसूयु माने ईर्ष्या न करती हुए। असूया कहते हैं किसी के गुणों में दोष देखना, उसका नाम असूया है। उस भाव को उन्होंने त्याग कर दिया। मात्सर्य कहते हैं किसी के गुणों को देख करके जलना, प्रसन्न न होना, उसका नाम मात्सर्य। और असूया कहते हैं किसी के दोष में भी नहीं, गुणों में भी दोष देख लेना, गुणों को दोष की तरह से देखना, ये हो गया असूया। तो ये दोनों में अंतर हो गया, असूया में और मात्सर्य में। ईर्ष्या माने किसी से चिढ़ना, किसी की उन्नति को सहन न करना, ये हो गई ईर्ष्या। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ईर्ष्या माने उन्नति को सहन न करना, असूया माने गुणों में भी दोष निकालना, और मोक्षा माने किसी की उन्नति को देख करके कहीं चिढ़ना, वो अब असूया वो हो जाएगी मात्सर्य। मात्सर्य ईर्ष्या माने किसी से चिढ़ना और उसकी उन्नति से प्रसन्न न होना, ये ईर्ष्या हो गया। सामने ईर्ष्या के ये तीन स्वरूप हो गए। तीनों ही चीज हैं, तीनों ही चीज अपराधी हैं। इन तीनों को नहीं अपनाना चाहिए, परंतु फिर भी कहीं मात्सर्य जो है उसको कहीं उतना बुरा नहीं माना। हाँ, वो कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे से ईर्ष्या करना भजन के मामले में वो कभी हित करने वाला होता है कि देखो वो इतना भजन कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, और ये बात कहीं भजन करने में प्रवृत्त करा देती है कभी कभी, परंतु वो अच्छी बात नहीं है। मात्सर्य की निवृत्ति सत्संग के द्वारा अपने आप हो जाती है। मात्सर्य की निवृत्ति सत्संग के द्वारा अपने आप हो जाती है। और नरोत्तम ठाकुर महाशय ने वहाँ पर ये निरूपण किया कि माने काम कृष्ण सेवा पड़े, क्रोध भक्ति द्वेषी जने, लोभ हर कथा, जो लोभ है वो हरि कथा इनके द्वारा उनकी कथा का लोभ होना चाहिए, मोह भक्ति बिना, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही तो मोह, तो काम क्रोध लोभ मोह, और मद श्री कृष्ण भक्ति के आनंद में। मासर को छोड़ दिया, मासर अपने आप सत्संग के प्रभाव से दूर हो जाता है। फिर नरोत्तम ठाकुर महाशय ने पांच का तो उपाय बताया, पांच को शांत करने का, और मात्सर को छोड़ दिया। वो मात्सर सत्संग के प्रभाव से अपने आप दूर हो जाता है। अब रजस्तम प्रकृतयः समशीला भजंत भई पितृ भूत प्रजेशादीन श्रेयश्वर्य प्रियप्सवा, रजोगुण तमोगुण की प्रकृति वाले जो समशीला भजंते भई, और जो समानशील वाले हैं वे पितृभूत और प्रजेश
इनकी आराधना करते हैं। रजोगुण तमोगुण की प्रकृति वाले जो शांति को धारण करना चाहते हैं वे पितृ भूत और प्रजा, पिता पितरों की भूतों की प्रजेश माने प्रजा के ईश्वर, इनकी आराधना करते हैं। श्री ऐश्वर्य और प्रजा इनको प्राप्त करने के लिए, धन ऐश्वर्य और प्रजा को प्राप्त करने के लिए पितृभूत और प्रजेश इनकी आराधना करती हैं। प्रजा माने संतान, तो संतान की प्राप्ति करने के लिए पितरों की आराधना की जाएगी और ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए भूतपति शिव जी की आराधना की जाएगी और ब्रह्मा जो हैं उनकी आराधना श्री इनकी आराधना करने के लिए, श्री लक्ष्मी की आराधना करने के लिए विष्णु की, श्री ब्रह्मा की आराधना की जाएगी। परंतु जो सत्व रम रज इनकी प्रकृति वाले हैं, समशीला माने इंद्रियों को वश में करने वाले भी हैं, इंद्रियों को वश में करके वे रजो तमगुण की प्रकृति वाले पितरों की पूजा करके प्रजा को प्राप्त करेंगे, प्राणियों की पूजा कर भूतेश की पूजा करके शिव जी को की पूजा से ऐश्वर्य को, और प्रजेश माने ब्रह्मा उनकी आराधना करके लक्ष्मी और वैभव को प्राप्त करेंगे। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, जितने भी वेद हैं वे अंत में वासुदेव का ही निरूपण करते हैं। वासुदेव परा वेदा, वेद वासुदेव का ही प्रतिपादन करते हैं। वासुदेव परा मखा, जितने भी यज्ञ हैं वे भी वासुदेव का ही अंत में वर्णन करते हैं। वासुदेव परा योगा, जितने भी योग हैं वे भी अंत में उनका परम परिणाम वासुदेव की प्राप्ति करना ही है। और वासुदेव पराक्रिया, जितनी भी दान स्नान इत्यादि क्रियाएं हैं उनका भी अंतिम फल वासुदेव को ही प्राप्त करना है। अर्थात वेदों का अंतिम तात्पर्य अंत में जाकर के भगवान वासुदेव की आराधना भक्ति ही है। ऊपर से वर्णन किया गया कर्मकांड का, स्वर्ग की प्राप्ति का, परंतु लक्ष्य जो होगा वो वासुदेव पर होगा। तो वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, यज्ञों का अंतिम फल स्वर्ग की प्राप्ति न होकर के कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगा। जैसे श्री आदि भरत ने यज्ञ जो किया वो श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण के अंगों की पूजा करने के लिए ही उन्होंने यज्ञ किया, कि यज्ञ कराने वाले भी भगवान हैं, यज्ञ का फल भी भगवान को मिले और यज्ञ में जो देवताएं हैं वे भी भगवान के ही अंश हैं, इसलिए मैं उनके अंगों की ही पूजा कर रहा हूं, ये भाव हुआ। वासुदेव परा योगा, सारे योग वासुदेव पर हैं, वासुदेव परा क्रिया, सारी क्रियाएं भी वासुदेव पर हैं। वासुदेव परम ज्ञानम, सारा ज्ञान वो भी अंत में वासुदेव के तत्व को ही जानना, यही ज्ञान का परम सार है। माने अंत में वार्ता वृत्ति और त्रयी इनको भी पार करके अन्वीक्ष की विद्या, वो ही सारी विद्याओं का सार है। अन्वीक्ष का मोक्ष, तो सारा ज्ञान वासुदेव पर है। वासुदेव परम तपः, सारे तप भी अंत में कहीं टिकेंगे तो वो वासुदेव में ही टिकेंगे। वासुदेव परो धर्म, जितना भी धर्म है वो भी श्री वासुदेव का ही निरूपण करने वाला होगा। वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गति, और जितनी भी गति हैं स्वर्ग महालोक ब्रह्मलोक मोक्ष वैकुंठ
उनकी भी गति अंत में श्री कृष्ण ही है, वासुदेव पराग गति माने सर्वोत्तम गति है, वहाँ वहाँ पर पहुँच करके अंत में कृष्ण गति को ही सब प्राप्त करना चाहेंगे, इसलिए वासुदेव पराग गति। गति माने लक्ष्य। गति बेटा ऐसा करेंगे, गति का मतलब है जहाँ हम साधन के द्वारा पहुँचना चाहते हैं उसका नाम गति है। तो कोई तो पहुँचना चाहेगा स्वर्ग, तो उसकी गति हो गई। अब कितनी है ये बहुत सी हो सकती हैं, इसकी सीमा नहीं दी जा सकती है, बहुत सी। अब किसी को केवल इसीलिए कोई भजन कर रहा हो कि मुझे रसगुल्ला मिल जाए तो रसगुल्ला ही उसकी गति हो गई, अब कहाँ तक गति गति गिनाएंगे। तो जो भी चाह रहे हैं वो हो जाए, परंतु अंत में जाकर के जहाँ पर जहाँ पहुँच करके फिर कोई दूसरी चीज़ नहीं चाही जाएगी उसको हम अंतिम गति कहेंगे, वो है कृष्ण चरणों का की प्राप्ति। वहाँ पर पहुँच करके कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहेंगे। अब रसगुल्ला चाह करके तो कचौड़ी चाहने लगेंगे, कचौड़ी चाह करके फिर रबड़ी चाहने लगेंगे, फिर स्वर्ण चाहने लगेंगे, फिर ब्रह्मा जी का लोक चाहने लगेंगे, फिर मोक्ष चाहने लगेंगे, कोई न कोई चीज़ एक के बाद में दूसरी चीज़ चाहते रहेंगे। परंतु एक जगह पहुँच करके फिर जहाँ फिर कोई चीज़ की इच्छा नहीं हो उसको हम अंतिम गति कहेंगे। तो वासुदेव परागति, सारी जो चाह हैं अंत में जाकर के वासुदेव में ही स्थित होंगी। तो वासुदेव परागति, वासुदेव ही परम गति होकर के विराजमान। सारे वेद अंत में प्राप्त होते हुए पूरा करके अंत में वासुदेव में ही परिणत होंगे। सैव एदम ससर जागृह भगवान आत्म माया, भगवान ने निज माया से इस संपूर्ण जगत की रचना की। सैव माने भगवान ने ही, इदम माने जगत, इदम शब्द का अर्थ है जगत, जगत की रचना की भगवान ने आत्म माया, अपनी माया से जगत की रचना की। सदसद रूपया, ये माया कैसी है, कार्य कारण स्वरूप है, कार्य भी माया है और कारण भी माया है। सदसद रूपया कार्य कारण रूप है, और ये माया गुणमयी है, माने सत्वर स्तंभ इन तीन गुणों से युक्त होकर के विराजमान। गुण माने सत्वर स्तंभ, इन तीन गुणों से युक्त होकर के विराजमान है। तो सदसद रूपया, सदसद रूप की वो माया है। गुण मैया और अगुणों विभु, भगवान कैसे हैं, अगुण हैं। तो गुणातीत भगवान ने सरसद रूप गुणमयी माया से और आत्ममाया से इस जगत की रचना की। तो आत्ममाया से तो वैकुंठ बनाया, और त्रिगुणात्मक माया से संपूर्ण जगत बनाया। तो सब माने उन अगुणों विभु गुणातीत भगवान ने इदम ससर्जो अग्रे, सबसे पहले इस जगत की रचना की। जगत की रचना दो प्रकार के जगत हैं, एक जगत है वैकुंठ और एक जगत है ये दृश्यमान जगत। तो वैकुंठ की रचना तो की आत्ममाया से, और इस जगत की जो दृश्यमान जगत है, दिख रहा है जगत, उसकी रचना की ससद रूपया कार्य कारण रूप माया के द्वारा। कार्य से कारण बने हैं, जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी की भी रचना करने वाले भगवान हैं और घड़े की रचना करने वाले भी भगवान हैं। ससद रूपया चासो गुण मैया अगुणो विभू, गुणमयी माया से उन्होंने जगत की रचना की। हाँ बेटा क्या करें, वैकुंठ बनाए उन्होंने स्वरूपभूत माया से। भगवान में दो माया है, एक त्रिगुणात्मक माया है और एक उनकी इच्छा रूप माया है। तो इच्छा रूप माया से तो उन्होंने वैकुंठ बनाया, और त्रिगुणात्मक माया से उन्होंने जगत की रचना की। तथा बिलस्तेष्वेषु गुणेषु गुणवान एवं अंतपृष्ठ आभाति विज्ञानेन विजृंभता,
तथा विलसितेषु एषु गुणेषु। इस प्रकार ये जो गुण सामने प्रकट हो रहे हैं, एषु गुणेषु विलसितेषु, ये जो गुण सामने प्रकट हो रहे हैं, इन सामने प्रकट होने वाले गुणों में गुणवान एवं भगवान भी गुणवान जैसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे हम माया के गुणों से युक्त हैं, ऐसे भगवान भी इस संपूर्ण विलास में विलसितेषु गुणेषु, इन सामने प्रकट होने वाले गुणों में, विलसित माने प्रकट होने वाले, जो गुण सामने प्रकट हो रहे हैं उनमें भगवान गुणवान एवं जैसे वे गुणों से युक्त हैं, ऐसा विचार करके अंतः प्रविष्ट आभाती, सबके भीतर प्रवेश करके भगवान प्रतीत हो रहे हैं। विज्ञानेन विजमृतः, भगवान विज्ञान के द्वारा प्रकट होंगे। विज्ञानेन विजमृतः, विज्ञान जो है उसके द्वारा मन निज ज्ञान के द्वारा, अनुभवजन्य ज्ञान के द्वारा, अनुभवजन्य ज्ञान का नाम है विज्ञान, उस विज्ञान के द्वारा भगवान को जाना जाएगा। इसी को कह रहे हैं कि यथा ह्यवितो बंधी तारकेषु एकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान, जैसे अभिहितो बंधी जो अग्नि है, अभिहित माने कही गई, जो अग्नि दिख रही है अभिहितो बंधी, वो अनेक लकड़ियों में है और लकड़ी जैसी टेढ़ी मेढ़ी होंगी वैसी अग्नि भी टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, परंतु अग्नि एक है। तो जैसे अभिहित अग्नि माने प्रकट अग्नि, अभिहित माने कही गई या प्रकट अग्नि, दारकेषु दारेषु दारु जो हैं उन दारुओं में, एक स्वयोनिषु अग्नि एक है, परंतु वह स्वयोनिषु अपने कारण, योनि माने कारण, अपनी कारण अग्नियों में अलग अलग दिखती हैं। लकड़ी यदि टेढ़ी है तो टेढ़ी, सीधी है तो अग्नि सीधी दिखेगी, टेढ़ी है तो गोल दिखेगी, इस तरह से अग्नि दिखेगी। तो जैसे अभिहिता माने कही गई प्रकट अग्नि, कही गई प्रकट, ये अभिहित का अर्थ हो गया, वो अग्नि ईंधन के अनुसार अनेक दिखती है, नानेव भाति, इसी प्रकार विश्वात्मा भगवान भी एक हैं, पंत एक होते हुए जीवों में अलग अलग दिखते हैं और जीवों में सर्वत्र व्याप्त होकर के वे रहते हैं। वे विज्ञानेन विजमृतः, विज्ञान में से प्रकट होकर के अलग अलग प्रकार से दिखते हैं। नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथापमान, सबके भीतर विद्यमान हैं वे, वैसे ही भगवान अलग अलग दिखते हैं। असौ गुणमयी भावई भूत शेक्षेन्द्रियात्म भी स्वनिर्मितेषु निर्मिष्टो भूंगते भूतेषु तद्गुणान्। असौ माने ये जीव, गुणमयी भावई गुणों से बने हुए भावों में, भूत सूक्ष्म आत्मा इंद्रिय माने पंच महाभूत, शब्द स्पर्श रूप रूपी सूक्ष्म ग्यारह इंद्रियां और आत्मा माने मन, इन सबसे युक्त होकर के असो गुणमयी भावई ये जीव इन गुणमय भावों में, माने जीव सोलह तत्वों में, पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं ने पंच महाभूत ग्यारह इंद्रियां, इनसे युक्त होकर के सोलह जो वस्तुएं हैं या तेईस वस्तुएं हैं, गुणमयी भूत सूक्ष्म इंद्रिय और आत्मा, भूत हो गए पंच महाभूत, सूक्ष्म हो गए दस इंद्रियां और उनके विषय, और आत्मा मन,
इनसे युक्त होकर के जीव अनेक प्रकार से बने हुए शरीर में ही निवास करता है। असौ गुणमयी भावई, असौ माने जीव गुणमय मैं त्रिगुणों से बने हुए, भावई माने शरीरों में जो भूत सूक्ष्म इंद्रियों से बने हुए हैं, स्वनिर्मितेषु निर्विष्टः, जिनको उसने अपने आप ही बनाया है उनमें निर्विष्ट होकर के उनमें प्रवेश करके घूमते भूतेषु तद्गुणान्, प्राणियों के बीच में स्थित होकर के उनके गुणों को भोगता है। भूतेषु माने प्राणियों के बीच में, तद्गुणान् माने जो इन प्रकृति के गुण हैं उनको भोगता है। भाव्यते सत्येनो लोकान्मयी लोकभावनः लीलावतारान् रतो देवतुल्य नरादिषु। भाव्यति एष सत्येनो लोकान्मयी लोकभावनः, वे भगवान लोकभावन हैं और लोकान् सारे संसार को अपने स्वरूप को दिखाते हैं। भावयति माने दिखाते हैं, भगवान अपने स्वरूप को संसार को दिखाते हैं। लोक भावना माने वे संसार को उत्पन्न करने वाले, भावन माने उत्पन्न करने वाले, संसार को उत्पन्न करने वाले भगवान अपने सत्गुण के द्वारा संपूर्ण जगत को दिखाते हैं। लीला अवतारानुग्रहतः, वे लीला अवतार में अनुरत हैं, विभिन्न लीला अवतार करते हैं। देवतुल्य नरादिषु, कभी देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, कभी तिर्यक माने पशु पक्षियों के बीच में जन्म लेते हैं, कभी नर इनके बीच में भी वे जन्म लेते हुए विराजमान होते हैं। देवतिर्यक नरों के बीच में वे जन्म लेते हुए लीला अवतार करते हुए विराजमान होते हैं। हाँ दिव्य रहता है, जन्म कम तो नहीं दिव्य है, आप मनुष्य रूप में भी दिखते हैं, मनुष्य रूप में दिखते हैं। तो भावयति माने अपने आप को दिखाते हैं, सत्य माने विशुद्ध सत्य के द्वारा, लोकान्वयी अपने आप को भगवान विशुद्ध सत्य के रूप में दिखाते हैं। लोक भावना वे संपूर्ण संसार के सामने प्रकट होते हैं, और लीलावतार इनका इनमें अनुरथ होकर के माने विभिन्न लीलाएं करते हुए कभी देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। देवताओं के बीच में जन्म कौन सा हुआ? वामन है ना। और तिर्यक माने पशु पक्षियों के रूप में कौन सा जन्म हुआ? मत्स्य पूर्व वराह, ये तिर्यक हो गए, तिर्यक जाति। और माने जिनका खाया हुआ भोजन तिरछा चले उसका नाम तिर्यक। मनुष्य जो खाता है उसका भोजन अधोगामी है, नीचे की तरफ जाता है। पशु जो खाते हैं उसका भोजन ऐसे बराबर चलता है, इसलिए उसका नाम तिर्यक। तो चिड़ियों का भी ऐसे ही होता है, चिड़िया भी तिर्यक है, तिर्यक योनि है। पशु भी तिर्यक योनि है, जो चार पैर वाले हैं वे तिर्यक योनि हैं, बाद बाकी के जो हैं वे तिर्यक योनि नहीं है, वे मनुष्य कहलाएंगे। तो जिनका भोजन तिरछा चले वो तिर्यक, और जिनका भोजन ऊपर से नीचे की तरफ आए वो मनुष्य। अच्छा, और देवताओं में भगवान का जन्म हुआ, जो वामन भगवान है वे देवता हो गए, इसलिए उनमें तो देव तिर्यक और नर माने भगवान ने वराह मत्स्य कूर्म इनके रूप में भी जन्म लिया, और वे देवता रूप में भी हुए। और नर कह करके श्री राम कृष्ण, ये नर राम कृष्ण परशुराम ये मनुष्य हो गए, बुध ये मनुष्य हो गए, ऋषभ ये मनुष्य हो गए। तो इन मनुष्यों के रूप में भी उन्होंने जन्म लिया। नृसिंह जो है वो तिर्यक में, कहीं पशु
जैसा स्वरूप है, तो पशु नहीं है, भगवान भगवान ही हैं, परंतु मनुष्य जैसा उन्होंने, पशु जैसा उन्होंने स्वरूप धारण किया हुआ है। देवतरे नर इनमें रूप धारण कर दिए। जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान मेहदादि भी संभूतम षोडश कलम आदो लोक शिक्षया। अब यहाँ पर भगवान के देखो, एक जो पीछे जो आप प्रश्न किया था ना कि धर्म किसकी शरण गया, तो इतने में तो ये वर्णन कर दिया वो चार प्रश्न कि जीव का लक्ष्य क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, ये यहाँ पर निरूपण कर दिया। जीव का लक्ष्य, अवतार का प्रयोजन और भगवान के विभिन्न अवतारों का कहीं अपसंकेत रह गया है, और धर्म किसकी शरण गया ये कह दिया कि भगवान लोक भावना लीला अवतारण रतो, श्रीमद् भागवत जिसमें लीला अवतार का कथन किया गया उनके ही शरण होकर के भगवान धर्म गया। ये तीसरा जो छठा वाला जो प्रश्न है उसका भाव्य तेज सत्वेनो ये यहाँ पर कह दिया। अब भगवान ने जग्रे पौरुषम रूपम, भगवान ने पौरुष रूप को स्वीकार किया। जग्रे का मतलब है आदर दिया, बस नहीं जग्रे तो जग्रे का तात्पर्य है कि जैसे कोई ये कहे कि राजा ने अपनी सेना को ग्रहण किया, तो ये थोड़ी एक सेना पहले नहीं थी, सेना तो पहले भी थी उसकी, परंतु उसने अब शत्रु को जीतने के लिए सेना को ग्रहण किया ये कह दिया ना। ऐसे ही भगवान ने रूप ग्रहण किया, इसका मतलब रूप को उन्होंने आदर का विषय बनाया। अब इसके बाद में भगवान के जो अवतार चरित्र हैं उन अवतार चरित्रों का वर्णन करेंगे सात दिन के बाद में, जहाँ पर कथा हो जाएगी, कथा के बाद में फिर उस लीला का आगे वर्णन करेंगे। वो एक नया प्रसंग है, और फिर वो द्वादश स्कंद भी रह गया है, द्वादश स्कंद को पूरा करेंगे इसको। जैसे बोल वृंदावन ध्यान लाल है बेटा, हाँ 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 सबसे लास्ट वाला पूछ जगह ये भावे तेज भावेनो ये कहकर के भगवान के लीलावतारों का जो चरित्र वर्णन किया गया वो यहाँ पर वर्णन किया गया। मैं धर्म किसकी शरण गया, वो भागवत की शरण गया, ग्रंथ की शरण गया, ये उसका समाचार समाधान। समुद्र मंथन के अंदर एक हमारे